हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आखिर हम सपने क्यों देखते हैं और हम अपने सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? या फिर हम सपने तो कुछ और देखते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए एंड तक बने रहिए द फैक्ट रेंजर के साथ। आखिर हम सपने क्यों देखते हैं? मेनली हमारे नींद के दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट रेम स्टेज, सेकेंड नॉन रेम स्टेज। और नॉर्मली हम रेम स्टेज में ही सपने देखते हैं। एक इंसान एक रात में तकरीबन 7 सपने को देखता है, जिसमें से उसे वही याद रहता है जो कि वह जागने से पहले देखा है, जिसका भी 80% जागते ही हमारे ख्यालों से मिटना शुरू हो जाता है। एक्चुअली जो सब हम सारा दिन करते हैं या फिर ठीक सोने से पहले सोचते हैं, वही इमोशन के थ्रू या फिर डिफरेंट विजुअल्स के थ्रू हमें दिखाई पड़ते हैं, और ये सब हमसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड कराता है। एक्चुअली जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप के विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सपने के ना तो वर्ड होते हैं या फिर ना कोई लेटर। लेकिन उस टाइम पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल प्रोड्यूस होना बंद रहता है, जो कि हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह लोग अचानक से नींद में चलने लगते हैं, जिसे हम स्लीप वॉक कहते हैं। क्या हम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सपने में आपके पीछे हेर पड़ गया है और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप भाग ही नहीं पा रहे हैं? या फिर आपका क्रश आपको सामने से बुला रहा है और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे? आखिर ऐसा क्यों होता है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रेम स्टेज में गहरी नींद में सोए होते हैं तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और हम सामने से कुछ करने की कोशिश जो करते हैं वो हम हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं, और दोनों का साइमल्टेनियसली वर्क करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमें अपने सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं, और जिस सपनों को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं उसे लिसिड ड्रीम कहते हैं, और ऐसा सिर्फ 23% लोग ही कर पाते हैं। लुसिड ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और एक बार आप लुसिड ड्रीमिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप सपने में वो सब काम कर पाएंगे जो आप इन रियलिटी नहीं कर पा रहे। क्या हमारा सपना हमारे रियलिटी से रिलेट करता है? इसका आंसर है हाँ, हमारा सपना हमारे रियलिटी से रिलेट करता है। एक्चुअली ड्रीम हमारी इमोशन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टेंशन में होते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है, तब हमें ऐसा सपना आता है जैसे कि हम किसी जंगल में खो गए और हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। या फिर बुखार में जब हमें हेडेक होता है तब हमें ऐसा सपना आता है जैसे किसी चीज़ ने हमें चारों तरफ से जकड़ रखा है। एक्चुअली सपना हमारे इमोशन से जुड़े होने के कारण वह हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता है। इससे यह साबित होता है कि हमारा ड्रीम्स हमारे रियलिटी से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सपने में कोई हसीना दिखाई दे तो जल्दी से जाग जाना, क्योंकि वह टाइम आपके खुश होने का नहीं बल्कि आपके गीला होने का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह मेरा एक बिल्कुल नया चैनल है और आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।